नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के बारे में। इंडियन बैंक ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती का, तो इसी के बारे में आज देंगे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे इंडियन बैंक के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ इसकी पूरी जानकारी को और भर सकें इस फॉर्म को। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चैनल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2019 आ चुका है और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट है वो है सिक्योरिटी गार्ड कम पियोन की। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। जीरो एप्लीकेशन फ़ीस है इस एप्लीकेशन का, तो किसी भी कैटेगरी को कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर से इसका स्टार्टिंग चालू हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है, यानी 8 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके फ़ी पेमेंट लास्ट डेट की, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी कोई भी फ़ी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, आपको इसका जीरो एप्लीकेशन फ़ीस है, किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करना है। वही अगर हम बात करें एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की, तो फ्रेंड्स ये दोनों ही अभी नोटिफाई सून है, जब ये आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहें। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी कि इंडियन बैंक के ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 26 साल है, और एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2019 के आधार पर। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपर एज लिमिट का, और यह रिलैक्सेशन एक्स सर्विस मैन के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक्स सर्विस मैन है वो जनरल में 45 साल की आयु तक भर सकते हैं, एससी एसटी में 50 साल और ओबीसी के लिए 48 साल। अगर इतनी एज है आपकी एक्स सर्विस मैन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 115 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। इंडियन बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की 115 पोस्ट है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप 10वीं 12वीं हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वैकेंसी के डिटेल्स को यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन बैंक सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2019 आ चुका है और इसकी जो आपकी पोस्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड कम पियोन की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम स्टेट वाइज एक बार देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर स्टेट वाइज इस पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ऑफिशियली इंडियन बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और असम के अंदर 4 सीटें हैं। उसी तरीके से दिल्ली में 3 सीटें हैं और गुजरात के अंदर 5 सीट, कर्नाटका के अंदर 2 सीटें और केरला के अंदर 10 सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड की। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, उड़ीसा के अंदर 2 सीटें, पौंडीचेरी में 4 सीटें, पंजाब के अंदर 5 और आपका तमिलनाडु में 8 पोस्ट, 48 सीटें, तमिलनाडु के अंदर 48 सीटें हैं, तेलंगाना के अंदर 3 सीटें और उत्तर प्रदेश में 6 सीटें, और यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल में आपकी 4 सीट है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी होगी वो 9,560 रुपये से लेकर के 18,545 रुपये तक की होगी। कुछ इसमें ग्रेड पे वगैरह भी ऐड की जाएगी, तो टोटल सैलरी आपकी 18,545 या इससे ऊपर भी जा सकती है। वही अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म को सिर्फ वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जो कि एक्स सर्विस मैन हैं इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रह चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये वैकेंसी एक्स सर्विस मैन के लिए है। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी ओनली फॉर एक्स सर्विस मैन के लिए है, और यहाँ पर एक्स सर्विस मैन अगर आप 10वीं पास हैं और 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि एक्स सर्विस मैन होने के साथ साथ 10वीं का क्वालिफिकेशन और 12वीं का क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड्स,
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विथ नॉट टू बी कंसीडर ओनली 10th पास विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स ओनली एक्स सर्विस मैन हैविंग गुड कमांड ओवर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, उनके पास एक अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए जो कि आप आर्मी के अंदर हैं, ठीक है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर आप रीड कर सकें, राइट कर सकें और बोल सकें, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी फिट इनफ टू परफॉर्म PFT, और ये PFT क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अदर प्रोफेशनल की तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर कैंडिडेट हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMB, अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पहले प्रिफेयर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो फिर अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के पैरामीटर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपके टेस्ट होंगे, तीन टेस्ट होंगे, एक पुशअप का होगा, सिटअप का होगा और एक रनिंग का होगा, ठीक है। इनके लिए क्या क्या एलिजिबल कैटेगरी रखी हुई है ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आगे बता देंगे, क्योंकि ये जानकारी वहाँ पर दी हुई है। वही अगर हम बात करें कि जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक सिक्योरिटी गार्ड के बैंक के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक आफ्टर टू परफॉर्म आर्म गार्ड, आपके पास एक बंदूक होती है जो कि परमिश ऑफिस कैंपस और डिपार्टमेंट के अंदर जो कि सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए आपको गार्ड के तौर पर रखा जाता है, और कोई भी मिसहैपनिंग अटैक एशल्ट और इंटरफ्लेक्शन के द्वारा आप बैंक की प्रॉपर्टी को बचा सकें, तो ये आपकी जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर जब हम बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, तो फिर इसको अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर क्लिक करके आप जाएंगे इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाने के बाद आपको 8 नवंबर 2019 से पहले पहले इस फॉर्म को भरना है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है जो कि अभी हम दिखाएंगे। नोटिफिकेशन गुरु हमेशा आपको गाइडेंस करता है कि आप कोई भी फॉर्म भरें तो पहले उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लें, उसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को देख लें, एप्लीकेशन फीस सब कुछ देखने के बाद आप उस फॉर्म को भरें, ठीक है। तो फिर आप बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, उसके साथ साथ आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी वहाँ पे लगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भी लगेगा, तो वो सारी जानकारी आपको आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे देंगे। वहीं अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका इंडियन बैंक सिक्योरिटी गार्ड का जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट और देन उसके बाद मेरिट लिस्ट, तो ये तीन लेवल के बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है इंडियन बैंक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर, और जो कि ऑल इंडिया के लिए पोस्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंडियन बैंक सिक्योरिटी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इंडियन बैंक के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसे जारी किया गया है चेन्नई से, जो कि कॉरपोरेट ऑफिस है इंडियन बैंक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये जो पोस्ट है ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड कम प्यून पोस्ट के लिए इसे जारी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, अप्लाई करने से पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया को अच्छी तरीके से पढ़ लें, और उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन जा करके आपको अप्लाई करना है, और ये आपका जो अप्लाई होगा वो indianbank.in की साइट से ही करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी डेट्स बताई हुई है, ये आपको 14 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक आपका ये डेट है, आप 8 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट हो गई है वो चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्ट बताई हुई है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल मिलाकर के 11 सीटें हैं, और वो आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। SC के लिए 1 सीट है, ST की 0, OBC की 2, EWS की 1 और जनरल की 7 सीटें हैं, टोटल मिलाकर के 11 सीटें हैं। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर टोटल सीटें बताई हुई किस स्टेट में कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से काउंट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 11 सीटें, असम में 4 सीटें, दिल्ली में 3 सीटें और गुजरात के अंदर 5 सीटें, कर्नाटका में 2 और केरला के अंदर 10, महाराष्ट्र में 8, उड़ीसा में 2 सीटें, पौंडीचेरी में 4, पंजाब के अंदर 5, तमिलनाडु के अंदर 8 और आगे देखिए इसमें तेलंगाना के अंदर 3 और उत्तर प्रदेश में 6 सीटें और वेस्ट बंगाल के अंदर 4 सीटें हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो वैकेंसी होती है वो 115 वैकेंसी होती है सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट की ऑल ओवर इंडिया की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाई फॉर रिजर्वेशन अंडर द PWD,
ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट मोस्ट पोस्ट अगेंस्ट वैकेंसी एनी वेयर इन स्टेट अप्लाई। इसके बाद जॉब सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंडियन बैंक आपका डिसाइड करेगा कि आपको किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी को आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बताई हुई है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया 18 से 26 साल है और ये आपके 1 जनवरी 1/7/2019 के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो एज का रिलेक्शन दिया हुआ है ये आपको जनरल एससी एसटी और ओबीसी के लिए दिया हुआ है। जनरल के लिए 45 साल, एससी एसटी के लिए 50 साल और ओबीसी के लिए 48 साल। और यहाँ पे किस तरीके से आपका होना चाहिए ये आपका लिखा हुआ है कि एज में रिलेक्शन इन एक्स सर्विस मैन के लिए है ये सीट, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ अदर एलिजिबिलिटी की कंडीशन वगैरह है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह ला करके बताई हुई है, बट यहाँ पे आप इसको फाइनली 18,845 रुपये मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी बताई हुई है तो जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा है हमें। जैसे ही कुछ समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके बारे में थोड़ा ऑफिशियली पता करके आपको बता देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 18,545 यहाँ पे लास्ट में है, तो इतनी सैलरी आप मान के चल सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉडल सिलेक्शन होगा इसका, आपका ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा, फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस होगा और उसके बाद क्या होगा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आपको पहले प्रिफेयर किया जाएगा। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है। अगर हम वही बात करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 60 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज सिंपल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे और इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 30 मिनट का होगा। उसी तरीके बेसिक ऑफ बैंकिंग में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड ये भी 20 मिनट का होगा और इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे और ये आपका आधे घंटे का होगा। तो इस तरीके से टोटल मिला करके आपके पास 90 मिनट का पेपर होगा और उसमें आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका मैक्सिमम 40 मार्क्स के आपके पेपर होगा। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस की, बता दी हमने यहाँ पे। उसी तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा 22nd टेस्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिस विल बी कैरी एफ 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, ठीक है। ऐसे 40% आपको पास होना पड़ेगा तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 35%, ओबीसी वाले भी इसी में आएंगे और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए 35% लाना पड़ेगा। जनरल अगर 45% लाएंगे तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर आप 40% के अंदर में आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। कम से कम 40% आपको लेके आना है और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को कम से कम 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे लोकल टेस्ट में, तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं द फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 मीटर शटल इन 1 मिनट। आपको 5 मीटर का शटल मारना पड़ेगा 1 मिनट में, उसके बाद पुशअप मारना पड़ेगा, फिर सिटअप करना पड़ेगा और ये सारे मार्क्स फिटनेस टेस्ट के द्वारा ही कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रेटिंग मिलेंगी। यहाँ पर देखिए 5 मिनट शटल इन 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 30 टाइम्स और मोर इन 1 मिनट में करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और 12 मिनट में अगर आप करते हैं 12 टाइम्स इन 1 मिनट, अगर आप 12 बार करते हैं 1 मिनट में तो आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, और 11 टाइम इन 1 मिनट तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे सारी जानकारी इधर देख सकते हैं। अगर आपके पास लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है मोटर का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आपको अवार्ड के रूप में दिया जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। फिर कुछ आपका मेरिट लिस्ट के बेस फिर आपका लगेगा, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, इसके अंदर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी इसके अंदर बताई हुई है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। बायोमेट्रिक डाटा वगैरह भी इस यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने पड़ेंगे और या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पर लेके जाने पड़ेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताई हुई है, इसे भी चेक कर लीजिएगा। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अप्लाई करने के लिए 8 नवंबर तक आप इसे भर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उससे पहले आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, इसे भी डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह किस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और डिस्क्लेमर वगैरह भी सब दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब आप यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया हुआ है कि किस स्टेट के किस कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी आपको 9 नंबर, इसकी जो जो आप PDF डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डाउनलोड करने के बाद ये 9 नंबर पेज पे आपको एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल आपको दी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और जा करके एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं तो देखिए दिल्ली, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली के लिए बता दे रहा हूँ, और आप किसी भी स्टेट के तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, ठीक है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है फोटोग्राफ अपलोड करने के रिगार्डिंग, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, उससे पहले आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि अक्टूबर मंथ में चल रही हैं, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी सारी वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारी जानकारी आपको बता दी सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उम्मीद करता हूँ आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय।